सो फाइनली गाइस आ गए हम कनक। हम प्राइवेट जॉब वालों से क्या दुश्मनी है यार, मतलब स्कूल टाइम और कॉलेज का टाइम थोड़ा सा याद आ जाता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव एंड आज है 3 नवंबर। सो आज मतलब वापस देहरादून ट्रिप थी वो कंप्लीट हो गई है एंड हम आ गए हैं वापस अपने ऑफिस। ऑफिस सुबह के 9 बज रहे हैं एंड ऑफिस पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आज मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़ के साइड। ऑफिस में सिर्फ 2 लोग अवेलेबल हैं, एक हमारे पेंट्री वाले भैया जगदीश और इनका नाम नहीं पता मुझे सुनील। तो अभी चलते हैं, मेरे को जाना है मीटिंग के लिए। तो मुझे अभी जस्ट पता लगा कि मैं जो रास्ता है वो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ पालम विहार गुड़गांव में वहीं से होके जाता है, तो मैं फालतू में ऑफिस आ गया, पंच इन करके वापस जाते हैं। सो गाइस फालतू में ऑफिस आ गया अभी सुबह सुबह, वो भी मैं आ गया था 8:50 के आसपास। इवन ऑफिस का मेन गेट भी बंद है, मुझे लगा ऑफिस ही बंद है अभी सुबह सुबह कोई नहीं आया, लेकिन देखा कि हाँ साइड का गेट खुला है, ऊपर ऑफिस खुले हुए। तो गाड़ी पार्क करिए यहाँ पे, तो चलते हैं अब। ये लो जी। सो गाइज आज की मीटिंग बहादुरगढ़ के साइड में होने वाली है, जो कि मेरे कस्टमर की नहीं है, किसी और के लिए। मैं आज किसी और को लेके जा रहा हूँ साथ में। सो गाइज अभी मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह ऑफिस से घर के लिए एंड नॉर्मली यहाँ से घर से मतलब आज फोन आ गया यार। सो अभी मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ ऑफिस से घर के रास्ते पे एंड अभी मैं हूँ सेक्टर 23 गुड़गांव के मतलब रूट पे एंड इसके बाद यहाँ से मैं मेरे को जैसे हमेशा की तरह हमारे एक दोस्त हैं दिव्यांशु, उनको पिकअप करना है एंड फिर हम दोनों जाएंगे मीटिंग के लिए बहादुरगढ़ साइड। देन जैसी अभी रास्ते में बातचीत तो होती रहेगी, तो महीने भर में हम ऐसा नहीं है कि हर दिन बाहर मीटिंग करने जाते हैं। मेरी ये तीसरे मंथ में तीसरी मीटिंग कह सकते हो, तो एक या दो मीटिंग एक महीने में हो जाती हैं। और अगर आपके पास फ्रिक्वेंट मीटिंग भी आती है तो पैन इंडिया में हम हर जगह तो नहीं जा सकते, तो मोस्टली वी हैंडल ऑन टीम्स मीटिंग एंड इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा ये होता है कि मतलब गुड़गांव या NCR दिल्ली NCR में कहीं अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कोई इम्पोर्टेंट कस्टमर है हमारा जो मोर देन CRs में हमेशा हमें डील देते हैं, मंथली जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, परचेज ज़्यादा होता है, तो ऐसे कस्टमर्स को हम रीच आउट करते हैं। सो गाइज बहुत लोग जानते नहीं है कि मैं करता क्या हूँ। करेंटली आई एम द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बट प्राइवेट जॉब है आप जानते ही हैं। तो यार पायलट्स की लाइफ देखते हो एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ देखते हो, तो हम प्राइवेट जॉब वालों से क्या दुश्मनी है, हमारी भी लाइफ देख लो यार, हमारी लाइफ भी बहुत टफ होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई सरकारी जॉब है या परमानेंट जॉब है जो तो मतलब मस्त चलेगी, हमारा स्ट्रगल भी देखो, ये स्ट्रगल पीरियड ही है। ना तो हम कोई इन्फ्लुएंसर है, ना तो अभी प्राइवेट मतलब कोई सरकारी जॉब पे बैठे हैं। ये हमारा जो फील्ड है दैट इज IT सेल्स एंड इससे पहले भी मैं मेजरल इंडिया के साथ काम कर चुका हूँ 4.5 साल से ऊपर, तो वहाँ पे मेरा IT सेल्स का ही फील्ड था एंड आई वाज आल्सो इनटू ऑपरेशंस फॉर सम टाइम। तो इसके अलावा मैंने स्टार्ट जब किया था तो दैट टाइम मैं कॉल सेंटर्स से मैंने स्टार्ट किया था, कस्टमर सर्विस IT सेल्स, आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कस्टमर सर्विस एंड सेल्स बोथ। सो इसलिए मतलब इसके अलावा भी मतलब लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने मेरी वीडियो जो मुझे फॉलो करते हैं वो तो जानते ही हैं कि स्ट्रगल बहुत रहा है और अभी भी है ही। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेटर, होटल का वेटर से लेके अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो यू नो होटल के वेटर, प्रिंटिंग प्रेस में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, हर जगह हमने काम किया है एंड दैट टू एक्सपीरियंस आई एम। बट अभी तो आप जानते ही हैं अभी भी मतलब स्ट्रगल चल रहा है, बहुत मुश्किल होती है मतलब सर्वाइवल में, बहुत सारे खर्चे होते हैं और अभी तो मकान भी बनाना है बहुत सारी। हाँ बट ये खुशी है कि अभी तक
हम अभी शादी भी नहीं करी है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि बहुत लोगों की ड्रीम्स ही होते हैं एंड आई एम टू लकी कि मैं ये कर पाया। एंड इसके अलावा मतलब हमारे जो मतलब ऑब्वियसली मैं जब दिल्ली आया था तब भाई 6,000 रुपीज मेरे पास मंथली बजट होता है जिसमें मेरे को रेंट, गाड़ी का आना जाना और खाना तीनों मेरे को मैनेज करना पड़ता था जो कि मेरी मम्मी मुझे दिया करती थी 6,000 रुपए। आज 6,000 से हमारा मंथली खर्चा 60,000 या प्लस ही चला जाता है, मोर देन दैट मंथली। सो दैट इज ऑल्सो यू नो बहुत मेहनत लगती है उसमें भी। तो अभी तो कहा जाए तो अभी शुरुआत ही हुई है, क्यों ये बहुत ज्यादा खर्चे नहीं होते या बहुत ज्यादा इनकम नहीं हुई है अभी, है ना। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मैं एक स्टेज मतलब होती है ना जो लोग काफी कुछ कमा जाते हैं उसके बाद भी वो यही कहते हैं कि शुरुआत हुई है, बट मेरी तो सच में अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो मैं कर ही रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, मतलब क्योंकि स्ट्रगल इसलिए कि क्या अगर हमें कहा जाए कि या हमें यही लाइफ चाहिए तो ऑब्वियसली किसको चाहिए, बट अपना काम होता है ना। सो गाइज जो मेरी जॉब और योर प्रोफेशनल लाइफ है इसके अलावा मतलब जो मैंने स्टार्ट किया होटल से वेटर का काम से लेके यहाँ तक अभी जो चल रही है, तो इस बीच में एक चीज़ कॉमन रही है मेरी एजुकेशन। तो एजुकेशन में मतलब मैंने सिर्फ अभी तक 12th यानी कि इंटरमीडिएट ही किया है, मतलब इसमें मैंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। तो हाँ वो कहीं ना कहीं मैं करना तो चाहता था बट अभी तक मतलब उसके बाद जब जॉब चली तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी खुद की थी। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर थी और उस बीच में शायद मैं अभी तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाया हूँ। और अब ऐसा लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है, अब मेरे को लगता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब ग्रेजुएशन की, बिना ग्रेजुएशन की भी मैं जॉब से भी शायद कुछ सालों में फ्री हो जाऊंगा मैं, 1-2 और साल उसके बाद शायद मैं जॉब करूं या ना करूं वो भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मेरे लिए। तो अभी देखते हैं, अगर मेरा मन किया तो ग्रेजुएशन करेंगे, हो सकता है मैं दोबारा ग्रेजुएशन करूं, दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करूं अगर यूट्यूब नहीं चला या कोई बिजनेस नहीं चला जो मैं खुद कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा टाइम ना आए तो अच्छी बात है, या जरूरत ना पड़े ग्रेजुएशन करने की, बट इट्स ओके अगर करते भी है तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिलहाल घर के आसपास मैं पहुंच गया, ऑलमोस्ट घर पहुंच ही गया हूं मैं, तो अब थोड़ी देर में निकलते हैं मीटिंग के लिए। पहले घर में जाके थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता हूं उसके बाद चलते हैं। तो फाइनली घर के अंदर आ गए, ओ माय गॉड, ये रही अपनी बाइक, आपने पहले भी देखा होगा अगर जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो देखते हैं भाई क्या हालत हो गई है इसकी। ये जैसे मेरा देहरादून का घर बन जाएगा ना वहाँ यही यूज होगी, गाड़ी बंद वहाँ सिर्फ, क्योंकि वहाँ तो ना धूल ना मिट्टी पहाड़, वहाँ तो यही यूज करेंगे भाई। सो गाइस आ गया हूँ मैं घर पे, अभी हो गया है चलने का टाइम, तो मैं जो मेरे साथ में आ रहे हैं उनको पिकअप कर लेता हूँ उसके बाद चलते हैं। सो ऑलराइट गाइस फाइनली अब चलते हैं बहादुरगढ़ के लिए एंड हमारी जो मीटिंग हो रही है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रही है। दिव्यांशु भाई आ चुके हैं हमेशा की तरह एंड आज हम जा रहे हैं तो सीधे हाईवे पे मिलते हैं और उसके बाद कॉलेज। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूं मैं यहां पे एंड मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, ये है कॉलेज का मेन गेट एंड पीछे रहा कॉलेज, तो पहले मीटिंग करते हैं फिर आते हैं। मीटिंग ख़त्म हो गई है हमारी एंड अभी मैं हूँ ऑफिस कैंपस, सॉरी आई एम नॉट ऑफिस कैंपस, तो मैं हूँ अभी कॉलेज के कैंपस के बाहर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिव्यांशु एंड जैसे ही वो आते हैं तो हम यहाँ से निकलते हैं ऑफिस के लिए एंड शायद लंच भी करना पड़ेगा बीच में, तो लंच करते हैं एंड फिर ऑफिस तक ऑफिस में निकलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कैंपस, आप देख सकते हैं। जॉब
उसके साथ साथ अगर मैं कॉलेज में मीटिंग करने आया हूँ तो बस वही यार, मतलब स्कूल टाइम और कॉलेज का टाइम थोड़ा सा याद आ जाता है ना। अलग ही मज़ा है यहाँ पे, जो लोग खेल कूद रहे हैं एंड आपस में बैठे हुए हैं। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से सीधे मन्नत ढाबा या कोई आसपास कहीं पे। तो फाइनली गाइस आ गए हम कनक मन्नत, जो ढाबा है तो उसी का एक ब्रांच है। ऑलराइट गाइस, फाइनली खाना आ गया, लंच, एंड ऐसा लग रहा है कि ऑफिस की ट्रिप पे आए हैं। ऑलराइट गाइस, सो लंच हो गया है गाइस, एंड अब निकल पड़े हैं ऑफिस की तरफ। तो एंजॉय करो हाईवे व्यू और मिलते हैं सीधे ऑफिस पहुंचने के बाद। फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, अब 4 बज गए और शाम के 4 बज गए और 6 बजे घर निकल जाऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय गाइज़।